मित्रों नमस्कार। आज का अखबार में आपका फिर स्वागत है और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर बात करेंगे। और आज की जो ज़्यादातर खबरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनेक आज फैसले दिए हैं और एक जो सबसे चर्चित फैसला है वो है हिंडनबर्ग और अडानी को लेकर। इसमें मित्रों आपने सुनी होगी एक कहावत कि सूतन कपास जुलहों में लठन लठ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अडानी का शेयर बाज़ार गिरा है और निश्चित तौर पर 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है ये रिपोर्ट बेसिकली एक नैरेटिव बनाने के लिए बनाई गई, क्योंकि जो हिंडनबर्ग है ये बेसिकली एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। ये अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की हरकतें करती है, एक झूठे और या फैब्रिकेटेड या टारगेटेड तीनों तरह के ये रिपोर्ट प्रकाशित करती है। उसके बाद उनके शेयर को खरीदती, जैसे शेयर के मार्केट गिरते, और फिर उसको आगे मुनाफे में बेच देती। तो ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है हिंडनबर्ग। तो इसने जो रिपोर्ट दी थी उसके बाद देश में हंगामा हुआ, फिर पार्लियामेंट में चर्चा हो गई, अब मामला शांत हो गया। तो अब शेयर बाज़ार में भी जो अडानी के शेयर लगातार गिर रहे थे उन शेयरों की वैल्यू लगातार बढ़ रही है और करीबन 26% तक मार्केट अप हो गया है अडानी का। तो शेयर मार्केट उठता है गिरता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने आज सेबी को बुला के उसको डांट पिलाई और कहा कि आपने निवेशकों के हितों के लिए क्या रक्षा की। यानी अगर अडानी के कारण अगर निवेशकों का पैसा डूबेगा तो आपने इसमें क्या कदम उठाए। लेकिन अभी तक ऐसे किसी निवेशक ने इस तरह की बात नहीं की कि उनका पैसा डूब गया है या उनको नुकसान हो गया है, क्योंकि थोड़ी दिन वेट करने वाली बात होती है। अब वेट किया लोगों ने तो जो शेयर नीचे गिर गया था 20-25% नीचे चला गया था, आज वो 26% ऊपर चला गया है, यानी कोई लॉस नहीं हुआ। तो जब लॉस नहीं हुआ तो सेबी को क्यों लठ पड़ रहा है, यानी सेबी को क्यों डांट पड़ रही है? क्योंकि सेबी ने तो स्पष्ट कह दिया था कि इस तरह के मार्केट उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं और उन्होंने अडानी की कंपनियों को स्पेशल सर्वेलांस में रखा हुआ है, एडिशनल सर्वेलांस। तो अगर वहाँ एडिशनल सर्वेलांस चल रही है तो और उनको सेबी को ऐसा कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं मिली हैं तो फिर उन्होंने ऐसे कुछ एक्शन भी नहीं लिया। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने आज से सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार, अडानी और सेबी इन तीनों को नोटिस दिया है और कहा है कि ये अपने बारे में उनका क्या रुख है अडानी को लेकर वो बताएं और अडानी भी बताएं कि वो पैसा कहाँ है कैसा है। तो उस पर आगे बात होगी अगले हफ्ते जब उसमें दोबारा से सुनाई होगी। लेकिन आज जो बड़ी खबर यही बनी कि आज सेबी बीच में खाम पिट गया, यानी दो लोगों के झगड़े में तीसरा आदमी पिट जाता है, ऐसा कभी कभी हमने सुना है। तो ऐसे ही हमने देखा कि सेबी को आज जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने आज उसको ठीक से ठुकाई कर दी। आज सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में दो नए जज बन गए हैं। एक गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं अरविंद कुमार जी, जस्टिस अरविंद कुमार, और दूसरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं राजेश बिंदल जी। इन दोनों को प्रमोशन करके केंद्र सरकार ने कॉलेजियम का जो सुझाव था उनको अप्रूवल दे दी है और अब सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हो गए हैं, यानी जो टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में वो 34 है। तो अभी तक ये संख्या कम थी, 28 थी, और उसके बाद से लगातार अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तीन जज अभी पिछले महीने ही हुए थे और दो अब हो गए, तो 5 जजों की नियुक्ति हो गई। तो ये अब कुल मिला के 34 जज हो गए फुल स्ट्रेंथ, यानी जजों की संख्या ही 34 है। तो अब जो पेंडेंसी है केसों की मुझे लगता है कि अब उनमें कमी आएगी और जल्दी जल्दी लोगों को न्याय मिल सकेगा। दूसरा मित्रों सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, गुजरात के दंगों को लेकर, तो उसको केंद्र सरकार ने बैन कर दिया और यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर उसको बैन कर दिया। लेकिन वो अनऑफिशियल तो चली रही है, लेकिन सरकारी
वो जो लोग ऑनलाइन देख रहे थे, ऑनलाइन इसकी इसको बंद कर दिया गया है। और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इसको हम जो बैन किया गया है क्या उसको जारी रखें। और उसमें केंद्र सरकार को नोटिस दिया था कि भाई आपका क्या रोक है इसमें। और दूसरा इसमें ये कहा गया था, एक याचिका ये भी दर्ज दाखिल की गई थी कि बीबीसी का ऑपरेशन है उसको बंद कर दिया जाए हिंदुस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संभव नहीं है और मीडिया का गला नहीं घोट सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के और भी निर्णय हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये तीन निर्णय थे। मित्रों आपको याद है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, सारे युवा युवक पार्कों में निकल पड़ते हैं, व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो इसके मुकाबले में केंद्र सरकार का जो पशु कल्याण विभाग है उसने काउ हग डे मनाया, यानी गाय को प्यार करो। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं एक नया चलन है कि जो हिंदुस्तान की चीज़ है उसको प्यार करो, क्योंकि जो ये वैलेंटाइन डे है ये हमारा तो नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्री का है, तो इसमें हमारे हिंदुस्तानी लोग भाग रहे हैं इसके पीछे। तो इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इसको रोकने के लिए एक नया चलन शुरू किया, काउ हग डे। तो इसको देखते हैं कितने लोग मनाते हैं और वैलेंटाइन कितने लोग मनाते हैं। उसके अलावा मित्रों जो चीनी नागरिक भारत में आएंगे तो अब उनकी कोविड जांच नहीं मांगी जाएगी। अभी तक ये मैंडेटरी था, बाकी देशों के लिए तो रोक दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड हटा दिया, क्योंकि भारत में कोविड ख़त्म हो गया। हालांकि चीन में बहुत भयानक कोविड चल रहा है और इतना भयानक चल रहा है कि वहाँ लाखों लोगों को ऐसा खबर है कि लाखों लोग मारे गए हैं और करीबन 80% आबादी वहाँ की संक्रमित हो गई है। तो अगर सरकार ने ऐसा काम किया है तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने कोई समझ के काम किया होगा। और एक और खबर है, हार्दिक पटेल जब विपक्ष में थे, इंडिपेंडेंट थे, कांग्रेस में थे, तो उन पर कई सारे मुकदमे लग गए थे और अब बीजेपी के एमएलए बन गए हैं। तो उनके खिलाफ एक पुराना मामला था, 5 साल पुराना, उसमें आज कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। दिल्ली NCR में डीजल के जनरेटर वो पूरी तरह से बैन हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण है और प्रदूषण के कारण ऐसा कदम उठाया गया है। और मुझे लगता है कि दिल्ली को साफ सुथरा करने के लिए इस तरह की कार्रवाई सरकार कर रही है, लगातार कर रही है, जैसे धूल खत्म करने के लिए, पराली जलाने की प्रक्रिया को, प्रथा को बंद करने के लिए ऐसा सरकार कदम उठा रही है। और अब डीजल इंजन को बंद करने का फैसला किया गया है। आज पार्लियामेंट का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में आए दिन हंगामा होता है। और आज राज्यसभा में बेवजह हंगामा हुआ, विपक्ष ने नारेबाजी की, तो आज राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को कांग्रेस के नेताओं का नाम लेना पड़ा। संसदीय परंपरा में अगर किसी सांसद का नाम लिया जाता है, उसे नेम किया जाता है, तो फिर उसे नियम के अनुसार सदन से बाहर चला जाना चाहिए। लेकिन अब वो परंपरा ख़त्म हो गई, नाम लेते हैं, रिकॉर्ड में आ जाता है, तो जब भी रिकॉर्ड देखा जाएगा तो यह आएगा कि स्पीकर ने इनका नाम लिया या चेयरमैन ने इनका नाम लिया, इससे अलावा और कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए सांसद डरते भी नहीं, हंगामा करते रहते हैं। और आज वित्त मंत्री ने लोकसभा में बजट के पहले चरण पर भी चर्चा का जवाब दिया और उन्होंने जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, उसी तरह से वित्त मंत्री ने भी अर्थव्यवस्था की और मोदी सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया। मित्रों क्रिकेट मैच चल रहा है, गावस्कर और बॉर्डर ट्रॉफी चल रही है। पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 177 रन बनाए थे, भारत ने उसके जवाब में बहुत अच्छी बढ़त बना ली, 144 रन की बढ़त बन गई है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने आज 120 रन बनाए,
और रविंद्र जडेजा, इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। इन्होंने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ियों को आउट किया था और अब 66 रन भी बनाए, यानी ऐसा लगता है कि ये मैन ऑफ द मैच पक्का हो गया है। और अक्षर पटेल ने भी 52 रन बनाए, तो कुल मिलाकर भारत ने 321 रन बना दिए हैं आज। और अभी 7 विकेट पे, और अभी और कल भी भारतीय टीम खेलेगी, तो आज ही 144 रनों की बढ़त भारत को मिल गई है। मित्रों, उसके अलावा आज हमारा जो इसरो है उसने छोटे स्मॉल लघु उपग्रह उनको छोड़ने के बाजार में प्रवेश किया, यानी वो छोटे उपग्रह भी छोड़ेगा, कमर्शियल उपग्रह जो इंडिविजुअल भी लोग चला सकते, जैसे स्टूडेंट बनाते हैं, तो उससे एक नया मार्केट खड़ा होगा सेबी का और इसरो का और लोगों का भी, और जो नए जो एंटरप्रेन्योरशिप या नए लोग इस मार्केट में उतर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। तो मित्रों, इसके अलावा जो इधर उधर की बातें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, वहाँ आज उत्तर प्रदेश का समिट था और उस समिट में कई उद्योगपति आए, उन्होंने पैसा लगाने की बात की, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है। और उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर देश चाहे तो उत्तर प्रदेश देश का आर्थिक नेतृत्व, यानी जो उनका ग्रोथ इंजन है, उसका नेतृत्व कर सकता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सतर्क हो जाना चाहिए कि आवाज़ उत्तर प्रदेश से ही उठती है। योगी मजबूत हो चुके हैं और अब किसी से डरने वाले नहीं हैं, और उन्होंने इतने बढ़िया से उन्होंने जो गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन प्रधानमंत्री करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, उसी के टक्कर में उन्होंने गुजरात वाइब्रेंट का सम्मेलन रखा है। और उन्होंने कह भी दिया कि गुजरात देश का नेतृत्व करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन का नेतृत्व करने को तैयार है। तो इसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री इन सब बातों को गांठ बांध कर रख लेते हैं, तो देखते हैं कि वो आगे इस पर क्या कर रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।